अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पसंदीदा चैनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक अहम मालूमात लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 18 अगस्त 2020 को जो लेटर जारी किया गया है उस हवाले से डिटेल देने जा रहा हूँ। ये फिनांस डिवीज़न बजट विंग ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है ये लेटर जारी किया गया है। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि जो आपके तनख्वाहों में से जो सरकारी मुलाजमीन रेगुलर हैं प्रोविडेंट फंड यानी और जनरल प्रोविडेंट फंड वगैरह करते हैं उस पर मार्क अप वगैरह जो मिलता है उसके रेट का जो है वो तय कर दिया गया है। 2017-18 में जो रेट मिलता था वो 11.7 मिलता था, 2018-19 में इसको बढ़ाकर 14.35% जो है वो इजाफा कर दिया गया। अब जो मुनाफा मिलेगा वह 2019-20 के हवाले से जो मार्कअप मिलेगा वो 12% करने के हवाले से जो है वो लेटर जारी कर दिया गया है। ये लेटर लिखा गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इस्लामाबाद को मोहम्मद हसन जो है सेक्शन ऑफिसर हैं बारिंग उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है। तो आपको बताना था कि जो मार्कअप का रेट है वो तय कर दिया गया है 2019-20 के हवाले से। इस साल जो है वो 12% के हिसाब से मार्कअप लगेगा। आप अपनी जो पे स्लिप वगैरह हैं उस पर चेक कर सकते हैं। जो रेगुलर मुलाजिम आप लास्ट मंथ की पे स्लिप वगैरह निकलवा लें जीपी फंड, वहाँ पे अपना देख लें कितना बैलेंस में है और जो 2019-20 में मार्कअप लगेगा तो फिर नेक्स्ट मंथ की जो है वो भी निकलवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो जीपी फंड में अकाउंट में जितने पैसे थे उस पर 12% के हिसाब से मार्कअप लग चुका है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आने पर एक ही गुजारिश होती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।